नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज, मैं चिराग मेहता। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से शहर में दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में पर्यावरण सुरक्षा, वाटर हार्वेस्टिंग और छात्रों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर को हरियाला करने कई सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है। वैसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के अमृत योजना में डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेस एंड पार्क पे चर्चा की गई। इस सेमिनार में पर्यावरण सुरक्षा, वाटर हार्वेस्टिंग, बच्चों की शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की गई थी। सेमिनार में बड़ौदा के भिन्न विस्तारों के कॉरपोरेटर समेत करीबन 150 जितने लोगों ने हिस्सा लिया। ये सेमिनार संस्था के प्रमुख डॉक्टर जतिन मोदी की अगुवाई में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ौदा महानगर पालिका के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर समेत कई अधिकारियों ने भी शिरकत की थी। भारत सरकार तरफ से घनी योजनाओं है, एमा एक योजना है अमृत। अमृत एट अटल मिशन रेनोवेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जे अर्बन एरिया है ट्रांसफर कई रीते करो कि जेथी करीने लोकों ने तमाम जातनी सुविधा मिले, सिक्योरिटी, सेफ्टी, पानी, घर, रस्ता, ड्रेनेज, पर्यावरण आ बधु सुधरी सके, अने लीलोतरी ग्रीनरी ए जातनी अटलनी योजना छे मिशन में अमृत नीचे। एमांनी एक जे भाग छे तेनो आज सेमिनार राख्यो छे, जे ग्रीन स्पेस। हवे तमे जाणो छो कि ग्रीन स्पेसनी आज एटली बधी मोटी जरूरियात थई गई छे कि ग्रीन स्पेस हशे तेटलो आપણને ऑक्सिजन મળવાનો છે, અને ગ્રીન સ્પેસ હશે એટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓછો થવાનો છે। એટલે આજે અત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાત છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગની વાત છે, એમાં જો કંઈક પણ પગલાં ભરવા હોય તો ગ્રીન સ્પેસ રાખવી પડશે। પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપ જાણો છો કે ડિફોરેસ્ટેશન મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે। મુંબઈમાં ગયા અઠવાડિયે એક રાતમાં 2800 ઝાડ કાપી નાખ્યા, એક રાતમાં મેટ્રો ટ્રેનમાં છે સરકાર તરફથી જ। એટલે એક બાજુ વિકાસ છે અને એક બાજુ પર્યાવરણ સાચવવાનું છે, એની વચ્ચેનું બેલેન્સ એ મોટામાં મોટી વાત છે। એને કહેવાય છે કે ઇકોલોજીકલ બેલેન્સ। એ ઇકોલોજીકલ બેલેન્સ મેન્ટેન થાય તેના માટે ગ્રીનરી ખૂબ જરૂર છે। એના માટે પછી વિકાસ અમુક લેવલે કરી શકાય, પણ અમુક લેવલથી વધારે વિકાસ કરો તો પર્યાવરણનું નુકસાન થાય છે। એટલે વિકાસ અને પર્યાવરણ આ બેની વચ્ચેનું બેલેન્સ કેવી રીતે રહે તે આ સેમિનારનો એક ઉદ્દેશ છે। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।